नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस शक्ति प्रदर्शन की जो गुटों में बटा है और एकता के संदेश के बीच में शक्ति प्रदर्शन करने में लगा है। एक तरफ जन्मदिन का जश्न है और दूसरी तरफ संगठन का जोर। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर दोनों प्रोग्राम एक साथ रखे गए हैं, क्योंकि 4 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, तो क्या जानबूझकर 4 मार्च को ही विधानसभा घेराव की तारीख चुनी गई ताकि नेताओं को कार्यकर्ताओं को जन्मदिन के जश्न में जाने से रोका जाए, या फिर 4 मार्च के बाद या पहले विधानसभा घेराव के लिए कोई और तारीख मुफीद नहीं थी इसलिए मजबूरी में इसी तारीख को चुना गया, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री की संगठन के इस प्रोग्राम में उपस्थिति भी ना रहे और सालासर में बीजेपी के नेता भी ना पहुंच सके, इस रणनीति के तहत से ये प्लानिंग की गई। कमाल की बात यह है कि अभी तक जो बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगा रही थी, अब वही कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि मामला शक्ति प्रदर्शन का है और चुनाव से पहले ऐसे शक्ति प्रदर्शन नेताओं की रणनीति और भविष्य की राजनीति के संकेत देते हैं। आज बात इसी मुद्दे पर की तारीखों में टकराव की वजह, वजूद और परिणाम क्या होगा। तो क्या प्रोग्राम तो महज बहाना है ये बताना है कि शक्ति प्रदर्शन में किसके नेता, किसके कार्यकर्ता कितने दमदार तरीके से अपने नेता के पीछे खड़े हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हैं, हमारे साथ दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। मुकेश पारिक जी, शुरुआत आपके साथ। सर, क्या इन तारीखों में बदलाव नहीं हो सकता था, या ये तय होना है राजस्थान में अभी भी कि कौन सा बड़ा नेता और किसके पीछे कितने कार्यकर्ता? बिल्कुल ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा कोई पार्टी में किसी प्रकार का सोच है। एक धार्मिक आयोजन है जो संभवतः पूर्व निर्धारित था, वो कार्यक्रम एक ओर है। दूसरी ओर संगठन ने जो इस कांग्रेस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है जी, उसके खिलाफ एक 4 तारीख को एक आंदोलन का आगाज किया है। तो सर, 3 तारीख नहीं हो सकती थी, 5 तारीख नहीं हो सकती थी, 4 ही क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप ये मान के चले कि पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता है कि हम जो आंदोलन करते हैं जी वो बहुत दमदार तरीके से करते हैं, और उसमें जो हमारी संख्या बल होता है वो देखना होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के प्रति आमजन में आक्रोश है, किस प्रकार। अभी कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो विधायक भी हैं वर्तमान स्थिति में, वो कार्यक्रम में नहीं आए उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके कार्यक्रम में पहुंचने वाले नेता ना आए उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्या अगर इस सरकार के घेराव के दौरान अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कदम से कदम मिलाते साथ चल रही होती तो क्या उसका प्रभाव अलग नहीं होता? मुकेश पारिक जी, देखिए, वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वसुंधरा जी को पार्टी ने क्या कार्य दिया और उनको क्या करना है वो बलीमाती जानती है जी। तो ये कह देना कि ये बिल्कुल असत्य है कि किसका प्रभाव नहीं पड़ता, जो हमारा नेता है, जो हमारा नेतृत्व है जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिलता है जी, और जो संगठन कार्यक्रम तय करता है वो कार्यक्रम होते हैं जी। तो इसमें किसी भी बात को कहीं से भी जोड़ना बिल्कुल गलत है। लेकिन सर, जन्मदिन का कार्यक्रम तो पूर्व निर्धारित था जी, तो संगठन के कार्यक्रम की तारीखों में बदलाव हो सकता ठीक है। जिन मोर्चों ने ये कार्यक्रम तय किया है, संभवतः 4 तारीख होगी, लेकिन उसमें उस कार्यक्रम को आप उसके साथ जोड़े ये कहीं भी उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अदिति हमारे साथ बनी है। अदिति, कितना अच्छा होता कि सालासर में प्रोग्राम हो रहा होता 4 तारीख को और सारे बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन का केक कटवा रहे होते, और उससे 1 तारीख पहले या 1 तारीख बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सड़कों पर बीजेपी के नेताओं के साथ चल रही होती, विधानसभा का घेराव कर रही होती, पूरे राजस्थान में संदेश ही अलग होता। इतना बड़ा संदेश चला जाता कि कांग्रेस को उस दिन के बाद से राजस्थान में
पैठ बनानी शुरू करनी पड़ती, राजस्थान में बड़े नेताओं को इकट्ठा करना शुरू करना पड़ता। और आज ये जो हो रहा है, अब मैं आपको बता दूं विजेंद्र कि एक जन्मदिन और हुआ था वसुंधरा राजे जी का, 7-8 तारीख को सेलिब्रेशन था जो भरतपुर में हुआ था, मथुरा से शुरू होकर भरतपुर। तब भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सतीश पूनिया जी ने रख लिया था जो कि सीतापुरा के आसपास था, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी विधायक कार्यकर्ता नेताओं को रहना था। तो तब भी बहुत राजनीति हुई थी कि कितने विधायक पहुंच पाए, कितने नहीं पहुंच पाए, क्यों नहीं पहुंच पाए, क्यों कोई ट्रेनिंग मिस कर रहा है, क्यों कहां जा रहा है, और अब ये दोबारा हो रहा है। ऐसे में जो आपने प्रश्न पूछा कि अगर एक बार वसुंधरा राजे के साथ तमाम सतीश पूनिया से लेकर तमाम नेता खड़े हो जाते और दूसरे दिन घेराव होता तो बात ही पलट जाती। और जो ये संदेश है कि कांग्रेस वापस आ सकती है, जो बीच बीच में एक नैरेटिव वापस उठ के चलता है कि अशोक गहलोत के बजट के बाद कांग्रेस कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी, वो नैरेटिव एकदम खत्म हो जाता और बीजेपी कि जो दिल्ली जो बैठी है वो शायद खुश होती। लेकिन दिल्ली से भी रिलेटेड एक बात है जो बाद में करेंगे, आप अपना सवाल आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर रोहिता शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं। डॉक्टर रोहिता शर्मा जी, तैयारियां कैसी चल रही हैं सर, कितने लाख लोग आएंगे? मैं समझता हूँ कि इसमें 3-4 लाख लोग रैली में बड़े चाव के साथ जी, ढोल नगाड़े के साथ आ रहे हैं। और कितने क्विंटल चावल अभी तक बांट दिए गए सर पीले करके? हमने पीले चावल, कई लोगों ने हमारे जिले में पीले चावल भी बांटे होंगे, लेकिन हमने व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन से सब कार्यकर्ताओं को सूचना दी है जी। और मैं समझता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से 100 गाड़ियां वहां पर पहुंचेंगी। सर, बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता आ रहे हैं मैडम का जन्मदिन मनाने के लिए, केक कटवाने के लिए? देखो, जो भी बीजेपी का बड़ा नेता होगा, बड़े से मेरा मतलब है कि जो मन से बड़ा होगा, जो बड़ा सोच का व्यक्ति होगा, वो सब आएंगे जी। जो ओछी मानसिकता के कोई भी आदमी होगा, कार्यकर्ता या नेता, वो तो कई बार क्या है कि ओछी मानसिकता का को भी भाग्यवश बड़ी जगह मिल जाती है, लेकिन वो अधजल गगरी छलकत जाए उसके जो इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं सर आप। मुझे ये जानना है कि भाई जो संगठन का प्रोग्राम है और जो विधानसभा घेराव है उसमें जो शामिल होंगे, उसमें जो शामिल होंगे और जो सारासर नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो संगठन के प्रति समर्पित हैं या ओछी मानसिकता वाले हैं? मैंने ऐसी बात नहीं है कि कुछ कार्यकर्ता तो बीजेपी के प्रति समर्पित भी है, ऐसी बात नहीं है, पर ज्यादातर अवसरवादी लोग राजनीति में, आजकल वो जमाना गया, कोई किसी का लॉयल नहीं है। अब जब दूसरी पार्टी में जब दल बदलते हैं, आज बीजेपी में जिन लोगों को महत्वपूर्ण पद मिला है, कभी बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं जो वफादार रहे नहीं समय समय पर। लेकिन सर रोहिता शर्मा जी, बहुत बेसिक सवाल है सर, क्योंकि बीजेपी को काडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। अब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जो नेता, जो विधायक पार्टी कार्यक्रम में विधानसभा घेराव ना करके सालासर पहुंचेंगे, क्या वो पार्टी विरोधी नहीं होंगे? नहीं, पार्टी विरोधी कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है वसुंधरा जी, उनका जन्मदिन मन रहा है और बीजेपी को तो खुशी होनी चाहिए। वसुंधरा वो नेता है जिसने 2 बार बीजेपी का राज बनाया, एक बार 120 से ऊपर सीट आई, एक बार 163 सीट, इतनी तो कभी भी नहीं आई। और ये मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजेपी शहरों की पार्टी कहलाती थी, आदरणीय स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत साहब ने इसको प्रदेश व्यापी पार्टी बनाई और पार्टियों से तोड़ तोड़ के नेताओं को, एमएलए को लेके आए। रोहिता जी, बाकी भी गेस्ट मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री जब रही थी वसुंधरा राजे जी, उनका तब भी एक चांद था जनता के बीच में, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो जाती हैं तो लोग उनसे मिलने आते हैं। तो मैं मानकर चलूं कि इससे पहले जितने प्रोग्राम उनके जन्मदिन के हुए हैं उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल, उनका हमेशा अगला प्रोग्राम बड़ा होता है जी। मैं समझता हूँ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हम साला का प्रोग्राम उससे भी बड़ा साबित ठीक है करेंगे। आरसी चौधरी जी, अभी तक तो कांग्रेस पर सवाल होते थे भाई ये गुट है वो गुट है, कांग्रेस को थोड़ी राहत मिल रही है इन प्रोग्राम से, या टेंशन ज्यादा है कि एक तरफ विधानसभा घेरा होगा और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वो शक्ति प्रदर्शन होगा जिसमें 3-4 लाख लोगों के दावे किए जा रहे हैं, अगर उतने आ गए तो भी कांग्रेस के लिए टेंशन है? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो जो वसुंधरा राजे जी के जन्मदिवस को लेकर ये डिबेट रखी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री को हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।
इस राज्य की, इस सूबे की राजनीति रही है, उस राजनीति की सुचिता रही है कि वो एक दूसरे के मान और सम्मान में सदैव रहे हैं, इस नाते हम उनको शुभकामना देते हैं। आपने बात कही और आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि केडर की एक पार्टी की बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये पार्टी नहीं परिवार है, राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं, पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, लेकिन हमने सदैव आरोप लगाया कि ये पार्टी है जो विभाजन की नीति पे चलने वाली पार्टी है। ये विभाजन दूसरों के बीच में करते करते ये विभाजन अब अपने खुद के घर पे ले आए। अब देखना होगा कि एक तरफ वसुंधरा राजे जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कार्यकर्ता जाएगा या दूसरी तरफ जो पार्टी के अध्यक्ष ने जो कमान कही है किस तरफ जाएगा, ये विभाजन कहां पे आएगा ना? क्योंकि अभी बोलने में तो मजा आ रहा होगा क्योंकि अभी तक कांग्रेस से सवाल होते थे। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने क्या कहते थे, हमने तो ये कहते हैं आज भी करें कि ये विभाजन की राजनीति करते थे। जो दूसरों के घर पे पत्थर फेंकता है उसके कभी खुद के घर पे पत्थर लग जाते हैं। आज इनका पथराव है वो सामने आ रहा है। मैं ये देखना होगा कि ये दूसरी तरफ ये करें कि कार्यकर्ता इनको लेके आंदोलन करेंगे तो वसुंधरा राजे जी के यहाँ पे 3 और 4 लाख जो लोग होंगे क्या वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता या नेता उनको मानती है या नहीं मानती है या दूसरे लोग होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। लेकिन हम तो ये करें कि ये जो विभाजन जो परिवार कहां रहा, वसुंधरा राजे भी खुद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं यही उनके पीछे भी जो खड़े हैं वो बीजेपी के ही हैं। मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूं आपसे बार बार, आप जो कर रहे हो वही कह रहा हूं कि जो पार्टी परिवार की बात करती है, अपने परिवार की मुखिया के तौर पे उन्होंने सूबे का मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई और रोहिता जी जो मंत्री जी कह रहे थे निश्चित रूप से वो दूरदराज तक लेके गए। हम उनकी नीतियों की सदैव आलोचना करते रहे हैं, हम उनपे आक्रमण करते रहेंगे, लेकिन ये बिखराव ये परिवार आज 2 जगह पे जश्न मनाएगा। एक तरफ जनता के मुद्दों की बात होगी, दूसरी तरफ अपने नेता की होगी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये परिवार में जो विभाजन की जो राजनीति दूसरों में थोपते थे आज वो विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गई। आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा था कि एक दिन आगे चौधरी जी को आपने इससे पहले कई डिबेट में देखा होगा, वो आक्रोश के साथ बोलते हैं, आज वो मुस्कुराकर बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई इस बार नंबर मेरा है बोलने का। तो अब आप बताइए दिल्ली में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विभाजन की बात हुई, मुझे एक बहुत रोचक चीज पिछले 5 सालों में विजेंद्र आपको भी लगा होगा और मैं बतौर पत्रकार जब मैंने राजस्थान को देखा समझा तो एक बहुत रोचक बात जो ऑल ओवर इंडिया समझ आई लेकिन राजस्थान के एग्जाम्पल के साथ। देखिए जो सबसे ताकतवर आदमी होता है वही रूल करता है और ताकतवर आदमी जो है वो डिवाइड एंड रूल में बिलीव करता है। अब हम बात कर रहे हैं चाहे बीजेपी के आलाकमान की हो चाहे कांग्रेस के आलाकमान की, सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए कुछ कहते हैं दिल्ली कुछ नहीं करता, अशोक गहलोत का खेमे का कोई व्यक्ति सचिन पायलट के ऊपर वार करता है दिल्ली कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली को मजा आ रहा है चेक एंड बैलेंस में, क्योंकि ये दोनों ही गुट बाद में एक दूसरे की शिकायत करने के लिए आलाकमान के पास पहुंचते हैं, आलाकमान के पास सारी इंफॉर्मेशन आती है और आलाकमान के पास सारा मटेरियल होता है। लेकिन 25 सितंबर की घटना को जब आलाकमान को झटका लगता है कि हमारे दिए गए निर्देशों की पालना नहीं हुई, तब आलाकमान जागता है और फिर आलाकमान दिल्ली बुलाता है और अशोक गहलोत जी से माफी मंगवाता है, तमाम चीजें होती हैं। तो जब आलाकमान के ऊपर कोई बात आती है तब तो आलाकमान को फर्क पड़ता है, वरना उनके ही पार्टी के दो गुट हो आपस में लड़ते रहे तो वो चेक एंड बैलेंस रहता है और आलाकमान पावर में रहता है। ठीक उसी तरह बीजेपी में भी हो रहा है, पिछले लंबे समय से सतीश पूनिया का गुट अलग है, वसुंधरा राजे का गुट अलग है, दिल्ली ये अच्छे से समझती है कि ये गुटबाजी हो रही है। सतीश पूनिया वसुंधरा राजे ओम माथुर की शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं, ओम माथुर या वसुंधरा राजे के खेमे के लोग सतीश पूनिया के जन्मदिन पे किस तरह से उन्होंने गाड़ियां बनवाई, ट्रक बनवाए, पोस्टर बनवाए, ये नरेंद्र मोदी का पोस्टर छोटा है, सतीश पूनिया का पोस्टर बड़ा है, ये सारी बात लेके पहुंच जाते हैं। तो दिल्ली जो है वो बीच में कुछ नहीं बोल रही, आज सबके बीच में एक और सवाल, जैसा आपने कहा कि बीजेपी की दिल्ली थोड़ी अलग है, चुनाव सिर पर है, कोई भी राजनीति। मेरा सवाल यह है कि सालासर को चुना गया है उपनेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में बाय डिफॉल्ट नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले राजेंद्र राठौड़ साहब वहीं से आते हैं, सतीश पूनिया साहब खुद वहीं से आते हैं, तो वहां इस प्रोग्राम को रखना और वहां 2.5 से 3 लाख लोगों को इकट्ठा कर देना क्या यह संदेश देने की कोशिश है कि देखिए जो द मोस्ट पावरफुल आपके अंदर बैठे हैं उनसे ज्यादा पावरफुल हम हैं और यह आपके इलाके में करके दिखा रहे हैं? देखिए पिछले दिनों या पिछले समय में जितने भी उपचुनाव हुए
उसमें से कई ऐसी जगह थी जहां से राजेंद्र राठौड़ भी आते थे और जहां पे जाट बाहुल जगह थी। कई उपचुनाव ऐसे हुए जो जाट बाहुल इलाके के थे, जहां से खुद सतीश पूनिया भी आते थे, जहां पे उनका जन्म हुआ था, जहां से राजेंद्र राठौड़ वहां के इंचार्ज थे। पर नतीजा क्या आया? तो मैसेज तो तब भी वसुंधरा राजे खेमे ने मनी मन दिया कि ये सब होने के बाद, वहां पर होने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद या आप प्रभारी होने के बाद, उस इलाके के होने के बाद भी आप रिजल्ट नहीं दे पाए, और दिल्ली को भी ये मैसेज दिया। अभी भी देखिए, सारसर जी से वसुंधरा राजे जी का अलग वो है, वो बात अलग है, लेकिन वहां पे संख्या बल इकट्ठा करना जाहिर तौर पर राजनीतिक मैसेज है। इसे कितना ही आप पर्सनल मान लें, लेकिन कोई भी राजनीतिक, रोहिता शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा ही बता देंगे। रोहिता शर्मा जी, पब्लिक होता है, सारसर के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं सर? मैं तो समझा नहीं, दोबारा क्वेश्चन करना। सालासर में सभा करना, वहां 3 लाख लोगों को इकट्ठा करना, संदेश क्या देना चाहते हैं सर? देखिए, सबको पता है, पूरे राजस्थान को पता है, पूरे देश को पता है कि वसुंधरा जी एक धार्मिक महिला है और वो सब देवी, हिंदू देवी देवताओं को, दूसरे धर्म के लोगों को, सबको साथ लेकर मानती हैं, पूजती हैं। इसलिए संकट मोचक है हनुमान जी, तो हनुमान जी की सेवा में वो आप मथा टेकने वहां पहुंची है। अभी संकट क्या है सर? संकट साफ है, आप देखा नहीं, जनता की आवाज कोई नहीं सुन रहा, इससे बड़ा क्या संकट है? खलक आवाज अलग आवाज होती है जी। ये हमारी सनातन पुरानी परंपरा है कि खलक आवाज अलग आवाज। अब खलक आवाज को कोई नहीं सुने तो फिर देवी देवताओं की शरण में ही जाना पड़ता है। नहीं सर, पार्टी के अंदर नहीं सुन रहे हैं या बाहर नहीं सुन रहे हैं? अब जो भी लोग हैं, जिनको भी कुछ करना धरना है, उनको जनता, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में जो जनता चाहती है वो करना चाहिए, और जो जनता नहीं चाहती उसके विपरीत अपने चहेतों को थोपते हैं, तो उसका परिणाम आपने देखा, इंदिरा गांधी का जो नेताओं को मारना शुरू किया तो उसका हश्र ये हुआ कि आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई जी। तो कांग्रेस तो ये, लेकिन सर जिनकी आप बात करें वो तो खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कौन? वसुंधरा जी। जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सर। हाँ है ना, एक बड़ी पोजीशन पर उपाध्यक्ष है। तो आप अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान यूनिट को उनका सम्मान करना चाहिए। ये तो उसमें कहां कमी है सर? करने की क्या कहां कमी है उसमें? उसमें कहां कमी है भाई? ये नया 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 जो विधानसभा घेराव का काम तो पहले भी कर सकते थे, पहले तो कभी किया नहीं। मुकेश पारिक जी, अब जवाब दीजिए सर, ये आवाज उठेगी, इसका जवाब कैसे दें? मुकेश पारिक जी, देखिए मेरा ये मानना है कि इसको इस बात से जोड़ना बिल्कुल बेमानी होगा। कहीं भी ऐसा पार्टी का या वसुंधरा जी का कहीं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा कि इस एक ही तारीख होने के पीछे कोई कारण हो। आप इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें, वसुंधरा जी धार्मिक यात्राएं करती रही है, धार्मिक कार्यक्रमों में जाती रही है और उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। राजस्थान में जब वो मुख्यमंत्री, सवाल ये सर, किस प्रकार से उन्होंने करती है, जब भी वो बड़े कार्यक्रम करती है पैरेलल ही, देखिए कोई क्यों होते? ये उसके मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो यात्रा पर भी निकली थी, बस फिर अलग से यात्रा निकाल दी गई। वसुंधरा जी के लिए कोई ये मायने नहीं रखता, वसुंधरा जी अपने हिसाब से अपना जो भी तारीख तय करके, उन्होंने एक अपना धार्मिक दिन तय किया है, उस दिन वो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान में लोग पहुंचेंगे जी, पहले तो उन्होंने ही तारीख तय की है। मैं कह रहा हूं कि संगठन की तरफ से 3 या 5 भी हो सकती थी, 3-5 क्यों किया? देखिए पेपर लीक का मामला भी एक बड़ा गंभीर विषय है, ठीक है 4 तारीख को जो कार्यक्रम रखा है, लेकिन इसको इस बात से जोड़ना बिल्कुल गलत है। कहीं भी ये नहीं है, वो हमारा हमारी सालासर में भी हमारे सालासर में भी कार्यकर्ता खूब जुटेंगे और हमारे जो जयपुर में आंदोलन होगा वो भी इस कांग्रेस सरकार के नाक में दम करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपको लग रहा है कि यहां से कांग्रेस के लिए वो राह आसान हो रही है जो 2023 की तरफ जाती है? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि जनता है वो अपने मुद्दों पे चर्चा करती है, जनता अपने हकों पे चर्चा करती है और हम उसी पे चर्चा करके और चुनाव को जीतना चाहते हैं और वही लोकतंत्र का सत्य है। लेकिन जहां पे विभाजन जिनका DNA में हो, विभाजन की राजनीति जिनको सूट करती हो, जो विभाजन उनके घर में घुस जाता हो, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात इसमें शायद और जोड़ सकते हैं विजेंद्र जी, जो बूंदी के अंदर उन्होंने पिछला बर्थडे जब मनाया था, जब बहुत से विधायक और सांसद पहुंचे थे और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, तो भारतीय जनता पार्टी के कई साथी कहते थे कि 7 तारीख को अंतिम मतदान का दिन था और राजे जी ने जन्मदिन मना लिया।
अगर ये नतीजों के बाद में होता तो ये विधायक और सांसद नहीं पहुंचते। ये आने वाली 4 तारीख ये निश्चित बताएगी कि राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद कितने सालासर पहुंचते हैं। कांग्रेस की नजर है, देखिए ये 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 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर रहेगी, कांग्रेस की नजर तो जनता के मुद्दों पे रहती है। आज सबसे बड़ी महंगाई का मुद्दा है जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज इस फागोत्सव और रंगोत्सव के अंदर 50 रुपए प्रति सिलेंडर पे वृद्धि करके उन्होंने सौगात दी है, और माननीय मुख्यमंत्री ने 500 रुपए में 76 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर 1 अप्रैल से देने जा रहे हैं। मुद्दा तो ये है और इस मुद्दे पे चर्चा होती, लेकिन जो विभाजन की राजनीति करना है, राजनीति में एक नए तरीके का सत्याग्रह आया है जो अधिवेशन से निकला, सत्ता के लिए राह पे चलना, सत्ता की राह पर चलना, तो क्या मान लें कि अब बड़े बड़े नेता सब सत्याग्रह कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। विजेंद्र जी इसमें अगर आप वीडियो देखें, माफी चाहूंगा मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा, ये भाजपा की ट्रोल आर्मी का ये स्लोगन है, ये आप जैसे प्रखर एंकर का नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बात के साथ में जैसा ही उन्होंने बोला उसके बाद में उन्होंने जो बोला है, राहुल जी ने जो बोला है उसके लिए कहा है, जो वर्ड है वो बाय मिस्टेक जो बोला गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उतना सा काट के ट्रोल करती है जो होता रहना चाहिए। अच्छा, सत्याग्रह की परिभाषा उन्होंने बाय मिस्टेक गलती से ऐसे नहीं, नहीं उन्होंने सत्ता का जो रास्ता कह रहे हैं, सत्याग्रही का एक है सत्याग्रह का रास्ता, एक है सत्ता के लिए सत्याग्रह का रास्ता जो उन्होंने बात बोली, वो था जैसे हिंदुत्ववादी, ये दोनों में अंतर है, बहुत माइनूट माइनूट चीजें हैं, जनता तक नहीं पहुंचती। मैं सिर्फ आपसे इतना कि आप जैसे क्या अच्छा नहीं लगता, हिंदुत्ववादी क्या, आप जैसे क्या अच्छा नहीं लगता। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या 4 मार्च के बाद बीजेपी की एक अलग तस्वीर दिखाई दे सकती है जिसमें दिल्ली का कोई मोहर हो? देखिए सबसे पहले तो एक लाइन में बारसी चौधरी जी आपको बता दूं कि कांग्रेस ही आजकल बहुत खुश होकर घूम रहे हैं इस 4 मार्च के चक्कर में, आप भी खुश नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का एक गुट कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहा है और कांग्रेस को आगे लेकर जा रहा है, तो इसके लिए तो आपको आज खुश होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि 4 तारीख को जो कुछ भी होगा जाहिर तौर पर वो दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली को पता भी होगा, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद आपको बीजेपी में बड़े अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और वही अमूलचूल परिवर्तन के बाद आपको कांग्रेस में भी बदलाव या कांग्रेस में भी आहट देखने को मिलेगी। लेकिन दिल्ली भी इंतजार कर रहा है कर्नाटक चुनाव के नतीजों का, और यही वजह है कि इंतजार इतना लंबा है जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को जो होने वाला है उसकी एक एक पल पल की रिपोर्ट अरुण सिंह वही अलग अलग माध्यम से दिल्ली तक पहुंचेगी, कौन किस खेमे में कितने लोग आकर मिले ये भी एक बहुत बड़ी चुनाव से पहले एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होगी जो दिल्ली। ठीक है, अदिति शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोहिता जी आपका भी शुक्रिया, मुकेश पारिक जी आपका भी शुक्रिया, आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। एक जन नेता उसे ही कहते हैं जो पीछे जनाधार इतना दिखा दे कि लिखना पड़े शक्ति प्रदर्शन। अब तय ये 4 मार्च को होना है कि कौन सा नेता जन नेता, किसके पीछे कितना जनाधार और किसने शक्ति प्रदर्शन सही मायने में दिखाया। नमस्कार।